याचिका दाखिल की। यूपी की निलंबित एसडीएम ज्योति मौर्य दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची। दिल्ली हाईकोर्ट में ज्योति मौर्य ने याचिका दाखिल की, निजी जिंदगी से जुड़ी खबरें फेक न्यूज हटाने की मांग की। वीडियो ऑडियो को सोशल मीडिया से हटाने की मांग की है। हाल ही में ज्योति मौर्य कांड बेहद ही चर्चा में था, जिस मामले को लेकर के अब जो यूपी की निलंबित एसडीएम ज्योति मौर्य हैं वो दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में ज्योति मौर्य ने याचिका दाखिल की है, निजी जिंदगी से जुड़ी खबरें फेक न्यूज हटाने की मांग की। वीडियो ऑडियो को सोशल मीडिया से हटाने की मांग ज्योति मौर्य ने की है। ज्योति मौर्य ने पर्सनल और प्राइवेसी को लेकर के अब वो दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची हैं। यूपी की निलंबित एसडीएम है ज्योति मौर्य, जो अब दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची हैं, जहां से उन्होंने वायरल ऑडियो और वीडियो को हटाने की मांग की है। संवाददाता स्वाति पाठक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं अधिक जानकारी के लिए। स्वाति, ज्योति मौर्य ने अब दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल त्रिशला, देखिए पिछले कुछ दिनों को अगर देखें तो लगातार ज्योति मौर्य चर्चाओं में रही है। अब ज्योति मौर्य दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची है और याचिका लगाई गई है, जिसमें कहा गया है कि जो निजी जिंदगी से जुड़ी हुई खबरें हैं, फेक न्यूज है, ऑडियो वीडियो और उनसे जुड़े गानों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हटाने की मांग याचिका में ज्योति मौर्य की तरफ से की गई है कि सोशल मीडिया पर जो भी उनसे जुड़े हुए वीडियो है, ऑडियो है या फिर गाने सोशल मीडिया पर उनसे जुड़े हुए वायरल हो रहे हैं, उनको मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाया जाए। इसके साथ याचिका में यह भी कहा गया है कि उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी हुई जो भी खबरें हैं, जो न्यूज चैनल या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किया जा रहा है, उसको दिल्ली हाईकोर्ट रोक लगाए, निर्देश दे कि चैनलों पर जो है उनसे जुड़ी हुई खबरें ना चलें और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई भी खबर प्रसारित ज्योति मौर्य से रिलेटेड ना हो, इसको रोक लगाने की मांग ज्योति मौर्य की तरफ से किया गया है, जो यूपी की निलंबित एसडीएम है और पिछले कई दिनों से चर्चाओं में है। वो अब दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची और याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई गई है, जिसमें तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें या न्यूज चैनलों में जो खबरें चल रही है उसको रोकने के लिए और हटाने के लिए जो है वो मांग याचिका में की गई है ज्योति मौर्य की तरफ से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति।